आज हम बनाएंगे एक हेल्दी और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट। तो आज मैं लेके आई हूँ लेटस यानी कि सलाद पत्ता रेसिपी। आज हम लेटस यानी सलाद पत्ता को मूंग की दाल और गाजर के साथ बनाएंगे। हेल्दी तो ये होता ही है और खाने में स्वादिष्ट भी बहुत होता है। बच्चे अगर कच्चा खाना पसंद नहीं करते हैं सलाद पत्ता, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, उनको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ पूनम्स मिनी वर्ल्ड में। तो चलिए हम बना लेते हैं। ये मैंने ले लिए हैं सलाद पत्ते, तो इनको बहुत अच्छी तरह से पहले धोना है। सारे नहीं बनाऊंगी, 8 से 10 पत्ते लिए हैं। बहुत अच्छी तरह से धो लिया है गर्म पानी से और रफली चॉप कर लिया है, बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है, बारीक नहीं काटा है। अब हम ले लेते हैं मूंग की दाल। तो 1 कप के बराबर मूंग की दाल को रात को भिगो दिया था, अब ये सुबह अच्छे से भीग चुकी है, बनाने के लिए एकदम रेडी है। गैस पर रख देते हैं कढ़ाई, कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तो 2 चम्मच के बराबर डाल दिया है ऑयल, ऑयल ज़्यादा नहीं डाला है। तेल गर्म हो गया है तो उसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच ज़ीरा, 1/2 चम्मच काली सरसों के दाने और 1 डाल देंगे हरी मिर्च, 2 पार्ट में डिवाइड करके डाल दिया है, ज़्यादा तीखा नहीं बनाएंगे। लहसुन डाल देते हैं 3 से 4 कट करके और अदरक डाल देंगे 1 छोटा सा टुकड़ा कट करके। अदरक लहसुन का हम पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब प्याज डाल देंगे, 1 बड़े साइज़ के प्याज को मैंने रफली चॉप्ड कर लिया था। इसे भूनना नहीं है ज़्यादा, बस थोड़ा सा चला लेंगे हम और अच्छे से इसे खोल लेंगे, इसके जितने भी पार्ट हैं अच्छे से खुल जाएंगे, तो ज़्यादा भुनेंगे नहीं। इसमें अब डाल देते हैं हम मूंग की दाल। मूंग की दाल को हाई फ्लेम पर भुनेंगे। मूंग की दाल कच्ची ही यूज़ होती है ब्रेकफास्ट में, तो हम इसे पकाएंगे नहीं, कच्चा ही रखेंगे। अच्छे से ये भीगी हुई है, भून लिया है अच्छे से मूंग की दाल को। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर। तो 1 टमाटर को कट करके डाल देंगे और 1 गाजर को कट करके डाल देंगे, और साथ ही में हम डाल देते हैं इसमें सलाद पत्ता जो हमने काट के रखा हुआ था। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से चला लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। तो पकाएंगे नहीं इसको, बस हाई फ्लेम पर गर्म करना है और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही करना है। तो कंटिन्यू चलाते रहेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सलाद पत्ता को पका के नहीं खाया जाता है वैसे, कच्चा ही यूज़ होता है, लेकिन बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, और इस तरह से बनाएंगे तो थोड़ा सा स्वाद भी इसका चेंज हो जाता है, तो अच्छा लगता है खाने में। बस ये हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे अब नमक। काला नमक भी डाल सकते हैं, मैं सफ़ेद डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला और 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है विनेगर यानी कि सिरका। सिरका डालने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, हल्का सा खट्टापन आ जाएगा इसमें। मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से और चला लेंगे। बस अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। बस 1 से 1.5 मिनट चलाया है इसको हमने, ज़्यादा नहीं, पकाना नहीं है। और ये हमारा ब्रेकफास्ट बन के एकदम तैयार है, एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट। सर्व कर लिया है प्लेट में, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ऐसे। बच्चों को हम लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर साइड डिश के रूप में हम इसे सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।